मेरा नाम है साकेत मिश्रा और ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप चाहिए तो हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर वीडियो लेक्चर्स की आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे फ्लैश कार्ड भी अवेलेबल होते हैं। देखते हैं आज हम लोग का क्या टॉपिक है, डेट इज़ प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स। तो प्रेडिक्टेबल के कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अभी हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। शायद आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक्स आप जो 9th, 10th, 5th, 6th में पढ़ के आते हो, वो सारी चीज़ें। जो यहाँ पे कुछ हम नया सीखने वाले हो, ये चीज़ें ये हैं कि जो पीरियडिक टेबल है वो स्पेसिफिक पैटर्न में सेट किया गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी एलिमेंट्स को कहीं पे भी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये पीरियडिक टेबल एक स्पेसिफिक पैटर्न में सेट है। उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के और उनके साइज़ के हिसाब से सेट किया गया है। और जो मेजर पीरियडिक ट्रेंड्स हैं जो हमें सीखना है, वो चार चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी हम पीरियडिक ट्रेंड से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। कैसे भी करके ये जो फिगर दिया गया है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही यूज़फुल होता है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चार चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको याद करने का बेस्ट तरीका ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचिए कि पीरियडिक टेबल है, आपको चार एरोज़ याद रहने चाहिए। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड एरो एंड फोर्थ एरो। फोर्थ एरो आपको उल्टा करना है एंड जो अपोजिट डायरेक्शन में आपने एरो किया है वो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, एक एरो, दो एरो, तीन एरो और चौथा एरो जो उल्टा आ रहा है, या आप ऐसे समझिए, यहाँ पे देखने की ट्राई कीजिएगा, एक दो तीन साइड सेम है, चौथे साइड अपोजिट है, वो अपोजिट का आपको याद रखना है सिर्फ, डैट इज़ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ दिखेगा आपको, एक दो तीन सेम, एक अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, डैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो ये अपोजिट वाला आप याद रखेगा और ये चार टर्म याद कर लीजिएगा, आपको ये बनाना आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि इस पी ब्लॉक के स्टार्टिंग अपर पार्ट से हम लोग लोअर पार्ट में आते हैं एस ब्लॉक के, तो मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग इस साइड जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपके ये दिमाग में हमेशा है तो आगे के लेक्चर्स जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये चार चीज़ें हैं क्या। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी अंडरस्टूड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये वर्ड आपको याद रखना है, डैट इज एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट और बाइंड विथ इलेक्ट्रॉन। कोई एक पर्टिकुलर एटम की एफिनिटी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर सके, और वो एफिनिटी को, वो पावर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ क्वालिटेटिव, याद रखना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, एंड क्वांटिटेटिव इज़ रिलेटेड टू मास के पर्पज़ या वॉल्यूम पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक मेथड्स नहीं है, देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज मेथड। अब स्टैंडर्ड मेथड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर पाएँ, पर हाँ हमारे पास कुछ ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, दैट इज़ दी टेंडेंसी, एटम्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम,
और यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कैसे लिखोगे आप? 2, 8 एंड 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कैसे लिखोगे? 2, 8 एंड 7। ठीक है, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2, 8, 8, 18, 18, वो हमारा रूल है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो, थर्ड पोजीशन पे 8 होना चाहिए, इसके पास कितना है? 1, तो इसको कितना चाहिए? 7, इसके पास 7 है। अब लॉजिक क्या आता है कि ये 7 किसी को देगा नहीं, तो ये क्या करता है, एक अपना इसको दे देता है। अब जी भी ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है इसको, तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा और बचेगा क्या उसके पास, दैट इज़ 2 एंड 8। ये स्टेबल हो गया, ये 8, 8 बन के स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है, एंड दैट अट्रैक्टिंग पावर इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसकी एबिलिटी क्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके, तो इसको हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर डिफरेंसेस हम लोग बात करते हैं, तो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो अलग अलग फॉर्म में बॉन्ड्स बनते हैं। आपने शायद सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों अलग चीज़ें हैं, एंड आयोनिक बॉन्ड। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन दैट इज़ Cl2 जो उसको हम लिखते हैं, वहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो इक्वल प्रॉपर्टी में होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने चाहिए क्योंकि पोलर है, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वली शेयर होते हैं। अगर हम लोग आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं, एक सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम लोग पीरियडिक टेबल के हिसाब से देखने जाते हैं कि पीरियडिक टेबल में कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करता है, तो आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोडियम की और यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? क्लोरीन की। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम लोग, ये पीरियड्स की बात हुई, अगर यही चीज़ हम लोग ग्रुप में बात करते हैं तो क्या होगा, फ्रॉम डाउन टू अप साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नीचे से ऊपर आप जाओगे ग्रुप में, एंड दैट इज फ्लोरीन। तो ये था कुछ ट्रेंड्स जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया हुआ है कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है, ये रीज़न है, द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज़ लेस हाफ फुल, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं वैलेंस शेल की तो हाफ फुल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था 2, 8 एंड 1 सोडियम की, और यहाँ पे था 2, 8 एंड 7, ये डिफरेंस है। इसको इलेक्ट्रॉन्स जल्दी चाहिए क्योंकि वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, उसको डिफरेंस कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग यही चीज़ बात करते हैं फ्रॉम बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हमने अभी सीखा नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। डिफरेंस रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हमें ये चीज़ पता है। क्यों बढ़ती है डिफरेंस में अभी आपको बता देता हूँ। अब जैसे जैसे नीचे आप आओगे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं। यही चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं ऊपर, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर कम है। यही मैं बात कर लूँ फ्लोरीन और आयोडीन की, तो ये साइज़ डिफरेंस आपको देखने मिलेगा।
अब मेरे हिसाब से आप बताइए, इलेक्ट्रॉन्स कौन जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है? जिसके पास कमी हो, तो ऊपर वाले जो हैं उनके पास थोड़ी सी डिफरेंस रहती है, क्योंकि बॉन्डिंग उनको करनी होती है। जैसे कि मैं आपको इनर्ट पेयर के बारे में आगे बताऊंगा वीडियोस में, आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इनके पास जो डिफरेंस है, न्यूक्लियस चार्ज कैपेसिटी, न्यूक्लियस इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये आप पॉजिटिव ले रहे हो, न्यूक्लियस है आपका और ये है SNP, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ SPDF, जैसे ऐसे नीचे आओगे वैसे ये हालत हो जाएगी। तो F जो है वो एक इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस बढ़ा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा बाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मतलब डोनेट कर देगा, पर यहाँ पे नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी जो है डोनेट करने की वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ये डिफरेंस है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ, इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस हमें क्या याद रखने हैं, तो रूल्स फॉर नोबल गैसेस एंड लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड्स, तीनों में अलग अलग रहते हैं। पहले मैं बात करता हूँ नोबल गैसेस की, तो कंप्लीट सेल होता है, जैसे कि हमें पता है नोबल मतलब 18 ग्रुप, तो कंप्लीट सेल होता है तो वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहते, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस वहाँ पे आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट इज लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जनरली, और ये ट्रेंड्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं होती है उसके अंदर। रीज़न क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज नोवेल गैसेस और लैंथेनाइड सीरीज, दोनों के अंदर ये चीज़ आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें नहीं देखने मिलती, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। अब जैसे कि हमने बात किया था स्टार्टिंग में ही कि हम चार चीज़ सीखने वाले हैं, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया, कहाँ से बढ़ता है, कहाँ से कम होता है, ये सारी चीज़ें कब काम आती है और एक्सेप्शंस क्या है, किस किस में एक्सेप्शंस है, वो उस चीज़ से पढ़ ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी नाम से ही पता चल जाता होगा कि आयनाइज करने के लिए, आयन्स फॉर्म में बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, डेट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम हम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 8 एंड 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसका जो है नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से 2, 8, 8 होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है कोई एटम, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, एंड दैट कन्वर्जन जो हो रहा है, कौन सा कन्वर्जन, सोडियम से सोडियम प्लस बनने का, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं जाएंगे ऑर्बिट में से, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको स्पेशल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आप एनर्जी दे रहे हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आयन्स बन रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज़ याद रखना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन नेट न्यूट्रल आइटम। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना है, गैसेस फेज में इस चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, ये अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता था, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते थे, यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट में हमेशा कैटायन फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा कहीं भी कोई भी एटम में से, तो वहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। ये है डिफरेंस, आप याद रखिएगा, ये फिगर के हिसाब से समझ लीजिए, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको हम बोलेंगे। और हमेशा याद रखना है कि जब
लास्ट जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा डैट विल यू ऑलवेज इन कैटायन फॉर्म। कुछ और फैक्टर्स जो हमें याद रखने हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग चालू होती है वो चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस आप ऐसे याद रखिए, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के हिसाब से है, यही पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, ये एस ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, सब सेल है, ये डी है और एफ सब सेल है, ठीक है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर जैसे जैसे नीचे आप आते हो बढ़ता चला जाता है, तो क्या होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सच लो हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं, कितना है 7, एटॉमिक नंबर 7 है। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, आयोडीन ले लो, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसके, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी जो है बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर बढ़ी रहेगी, सिंपल सा लॉजिक है, जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। किसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिनके अंदर नंबर ज़्यादा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रॉपर्टी जो थी एफ ब्लॉक के अंदर ज़्यादा रहेगी, या जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस वो बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उनके पास इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस कम है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से उनके पास चार्जेस कम रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी रिमूव कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे हैं, ये जल्दी रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि एज एन शील्डिंग इफेक्ट काम करने लगे हैं, शील्ड बना लिए हैं, रिमूव नहीं होने देंगे, एंड दैट इज़ नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ये डिफरेंस है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। थोड़ा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं, दैट डिस्क्राइब शील्डिंग इफेक्ट दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम्स इनर एटम्स विच एक्ट एज एन शील्ड टू इट्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस फ्रॉम द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो एज एन शील्ड काम करने लगता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए और उनको रिमूव नहीं होने देता, ठीक है। डिफरेंस रीजन मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी तो प्रोटॉन्स भी बढ़े, प्रोटॉन्स बढ़ के तो उनको अट्रैक्ट करके ज़्यादा रखते हैं। अगर हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर जाओगे तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी इंक्रीज होता है। जो चीज़ें हमें यहाँ पे से देखने मिल गई है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा इंक्रीज होता है, ये एक चीज़ याद रखो। और दूसरा, अगर हम लोग ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आते हो तो आपको डिक्रीज मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये ग्राफ के अंदर जो मैंने बताया हुआ है, दैट इज़ फॉर नॉवल गैसेस। अब नॉवल गैसेस जो हैं जिसको हम बोलते हैं 18th ग्रुप, उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये है ऑर्बिट 2n1 का, और ये हम लोग बात कर लेते हैं सेल हमारे पास है 288 का। अब तुम्हें पता है कि ये फुलफिल है, फुलफिल है मतलब स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालेगा, और नहीं निकालेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बहुत ज़्यादा एनर्जी आप दे रहे हो तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी इंक्रीज़ हो गई, किसका 18 का। पर इसमें ऐसा नहीं है,
मतलब स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो आपको कम एनर्जी देने पड़ेगी और इजिली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सब का कम होता है। जैसे जैसे आप 18 ग्रुप तक पढ़ोगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। 18 ग्रुप पे पहुंचोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पिक पे रहेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं वैसे इनिशियली, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो दो तीन टाइप में होती है। दैट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे काउंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो आप ऐसे सोच लीजिए कि ये हमारा ऑर्बिट है और इसको हमने ऐसे लिखा है 2, 8 एंड 2। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको एनर्जी निकालनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहला तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे इसमें से, जो 2 था वो क्या हो जाएगा, अभी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया और समझिए 50 लगा आपकी एनर्जी किलो जूल। फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से 50 लगेगा, पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो क्या हो गया, स्टेबल स्टेट में आ गया। तो थर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी आप लगाओगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा होगी, मे बी शायद 150 या 200 जितनी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होते रहती है, इसीलिए फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है अलग अलग होती है। ये पहला 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा निकाला तो सेकेंड, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा याद रखना ये बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, जैसे जैसे स्टेबिलिटी एटम की बढ़ेगी। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमने दो चीज़ें के बारे में डिस्कस किया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके बारे में हम लोग एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा और आपको कंटाल आएगा, पूरा आप देख नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि हमारा PDF फॉर्म के लिए, हर लेक्चर वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।